वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। यह बीमारी किसे प्रभावित करती है, यानी किस जानवर को प्रभावित करती है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं गाय, खरगोश, सुअर और बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुअर। ठीक है, यह सुअरों में होने वाली एक आम बीमारी है जिसका अभी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसके टीके की खोज की है। ठीक है, पहले यह टीका इंग्लैंड से मंगाया जाता था जो कि खरगोश की स्प्लीन से बनाया जाता था, तो इसको अब रोक दिया गया है। अब ये इंग्लैंड से ना मंगाया जाएगा, अब ये भारत में ही इसका अनुसंधान जो है वो कर दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों की फ्री एंट्री खत्म कर दी है, यानी अब वहाँ पर फ्री एंट्री नहीं होगी। अब वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो इस क्वेश्चन का आंसर पहले देख लीजिए कि ये भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भूटान इज़ द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों की फ्री एंट्री खत्म कर दी है, यानी अब एंट्री के लिए आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पर भूटान ने सतत विकास टैक्स एक विधेयक पारित किया है वहाँ की संसद में, और जिसकी वजह से अब फ्री एंट्री समाप्त हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टैक्स का नाम याद रखिएगा, सतत विकास टैक्स। ठीक है, सतत विकास टैक्स इस टैक्स का नाम है जिसको भूटान की संसद ने पारित किया है, तो इसी की वजह से अब वहाँ पर जो है फ्री एंट्री नहीं हो सकेगी, चाहे वो भारतीय क्यों ना हो। ठीक है, पहले ये फ्री एंट्री थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने किस ट्रस्ट का गठन किया है। ठीक है, आज राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रस्ट की घोषणा की है कि उसको एक ट्रस्ट बनाया जाएगा यहाँ पर, और इस जो कि मंदिर के निर्माण को देखेगा और वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने जिस ट्रस्ट का गठन किया है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि मंदिर निर्माण के लिए 67.7 एकड़ जमीन जो है वो दी गई है, और 5 एकड़ जमीन की अलग से व्यवस्था यूपी सरकार को करनी है जिसकी मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि मस्जिद के लिए होगी। ठीक है, अलग से मस्जिद बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए नेपाल होगा। ठीक है, नेपाल ने ये रिकॉर्ड बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि है सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए। यहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल में एक एवरेस्ट बेस्ड कैंप है, उस एवरेस्ट बेस कैंप के पास जो है 5340 मीटर ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। ये एक एवरेस्ट बेस कैंप के पास, ये जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो की बात कर रहा हूँ, ये फैशन शो 5340 मीटर ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। यह नेपाल टूरिज्म बोर्ड के विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 72वां स्वतंत्रता दिवस किस देश ने मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने मनाया है। अब जब बात श्रीलंका की हुई है तो आपको श्रीलंका के बारे में कुछ चीज़ याद होना चाहिए कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, गोताबाया राजपक्षे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं। और एक चीज़ याद रखिए, श्रीलंका में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो लैंग्वेज है, एक तो है सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो है तमिल।
तो इन दोनों ही लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की, और वहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, दीपा मलिक को चुना गया है। और याद रखिएगा, दीपा मलिक इसमें निर्विरोध चुनी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट, अलग से कैंडिडेट नहीं था जो इनके विरोध में खड़ा हो, तो निर्विरोध चुना गया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में। और यहाँ पर एक दो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो दीपा मलिक हैं इनका संबंध शॉटपुट, जेवलिन थ्रो और तैराकी से है, ठीक है। तीन चीज़ें याद रखेंगे, तैराकी, शॉटपुट और जेवलिन थ्रो जिसको भाला फेंक कहते हैं, तो इन तीनों से ही दीपा मलिक का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मो ब्रायन किस महासागर को पार करने वाली पहली बधिर यानी डीफ व्यक्ति बनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बधिर व्यक्ति बनी है, इनका नाम है मो ब्रायन, और ये अटलांटिक महासागर को इन्होंने पार किया है। अटलांटिक महासागर को इन्होंने पार किया है, वो भी नाव से दूरी तय की है, लगभग 3,000 मील की दूरी, 3,000 मील की दूरी इन्होंने नाव से जो है वो पार की है, तय की है अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए। इनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंतःप्रज्ञा 2020, अंतःप्रज्ञा 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला है, ये भी आपको याद रखना है। इसका नाम है अंतःप्रज्ञा 2020, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए, इस अंतःप्रज्ञा 2020 मेले के लिए जो थीम है 2020 की, इस थीम को भी आपको याद रखना है। ये थीम क्या है? स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स, स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, 21वां काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि 5 फरवरी को शुरू हुआ है, किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? ये 21वां है, तो ये संस्करण भी आपको याद रखना है कि ये 21वां काला घोड़ा महोत्सव शुरू किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है, ठीक है। 5 फरवरी को ये शुरू हुआ है, और इसको आपको याद रखना है कि ये एक वार्षिक कला महोत्सव है, और ये वार्षिक कला महोत्सव का मतलब वर्ष में एक बार होता है, और ये 9 दिन तक चलता है, यानी 9 दिवसीय है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 10वां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में विशाल रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 जो कि 11वां संस्करण है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? ठीक है, डेफ एक्सपो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? डेफ एक्सपो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये आज ही यानी 5 फरवरी को ये इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा आपको कि ये 2 साल में 1 बार होता है, 2 वर्ष में 1 बार होता है, यानी द्विवार्षिक ये जो है डेफ एक्सपो होता है, तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का जो मुख्य विषय है इस बार, वो है भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र, भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।